सो यारो जल्दी से मैं आपको टीम दे रहा हूँ एससी के वर्सेस एलपीजी की। तो मैं पहले बता रहता हूँ कौन सी टीम विनिंग होने वाली है, एससी के विनिंग होएगी एज़ कम्पेयर टू एलपीजी। तो यार एससी के मैं आपको पहले बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ एससी के विन करेगी। तो इसके आप ज़्यादा प्लेयर्स चूज़ कर लीजिए, मैंने भी 8 कॉन्टेस्ट मैंने चूज़ करे, आप देख सकते हैं। अब मेरी टीम है, देखो यार पहले विकेट कीपर से ये ले लीजिए जवाहिर, फिर बैट्समैन्स में से कालीचरण राजा एंड एल्फ्रेड, और ऑलराउंडर से मोहम्मद दयाल से और सी रेमेड, बॉलर से कांता सिंह, शंकर और जे रस को ले लो, और के साग को ले लीजिए। अब मैं और दिखाता हूँ, देखो यार आप इसको ले सकते हो, बट यार इसके कोई स्कोर नहीं तो ज़्यादा नहीं मारने वाला, और वैसे पता ही एलबीजी जो है वीकेस्ट टीम है तो हारने वाले, वो बहुत पक्का चांसेस हारेगी। आप यार अगर आपको ऑल्टरनेट चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं, के ओटले को। के ओटले को आप किसकी जगह ले सकते हैं, के ओटले को आप ऑलराउंडर कम करके, मतलब ऑलराउंडर अगर आप कोई मोहम्मद को कम करना हो तो आप के ओटले को कर सकते हैं। और ऑलराउंडर से आते हैं जे जे मोहम्मद, एम डे आर एंड सी रेमेंड, और कोई अब अच्छा तो नहीं है। टी हिंट्स भी कर सकते हैं अगर आपको बॉलर्स कम रखने हैं तो। यार अगर आपको बॉलर्स कम रखने तो मैं बता देता हूँ कौन से कम रखना। आप बॉलर में से के साग को रिमूव करके आप इधर टी हिंट्स को ले सकते हैं, जिसके स्कोर है सही है एज़ कम्पेयर टू के साग। तो आप देख सकते हैं, वैसे के साग यार इसको ले दो, बिकॉज जो बॉलर्स होते हैं वो ज़्यादा स्कोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑलराउंडर्स। ये बॉलर्स इसलिए बिकॉज ऑलराउंडर को उतने चांसेस नहीं मिलती अगर बैट्समैन में बैटिंग में आउट हो जाए, इसलिए। अब नेक्स्ट करता हूँ मैं यार, अब मैंने कैप्टन तो यार जितना ज़्यादातर लोगों ने बनाया उसी को बना दिया, देख लो आप इसके स्कोर। बट मैं क्या है, वाइस कैप्टन मैंने रेमंड को बनाया जिसको 2% लोगों ने बनाया, आप ये देख सकते हो। मैं अभी अपना विनिंग का दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो मैंने ना अभी जस्ट ये जो स्कोर था, ये वाली जो टीम थी, ये आपका था एस सी के और सी सी एल में, इसमें से मेरे जो एस सी के की टीम थी मैंने ज़्यादा ली थी, 1, 2, 3, 4, 5। ओके तो 5 प्लेयर एस सी के लिए थे मैंने, जिसमें से काली चरण जो है उसके 232 थे, राज्य के 15, रेमंड के 102 और कांता सिंह के 62 और शंकर के 39। तो उस हिसाब से आप इधर रेमंड को कैप्टन बना लो या काली चरण को कैप्टन बना लो, और कांता सिंह को भी बना सकते हो। देखो तो ये एम डी आर को यार इसलिए बना रहा हो बिकॉज आप इसके स्कोर देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लेयर उसके कंपैरिजन में सही है, मतलब उतना बुरा भी नहीं है। बट अगर आपको एस सी के प्लेयर को कैप्टन बनाना है तो सी रेमंड को बना दो और एम डी आर को वाइस कैप्टन दे दो, सेव कर लो और आपकी टीम बन जाएगी। और फर्दर डिटेल्स के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे 5 मिनट पहले जैसे ही लाइनअप्स आउट हो जाएगा और पता चल जाएगा कौन से फील्डिंग कर रहे हैं वो आपको टीम दे दूंगा, और आप लोग टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।